एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय चैनल. सो मैं कुछ ज़्यादा लाल दिख रही हूँ यार. एक्चुअली मैंने अभी एक फेस पैक ट्राई किया है और मैंने उसे बना दिया. वो कल चला जाएगा सैटरडे को. आज है फ्राइडे और मेरी तबीयत बहुत थोड़ी सी ख़राब है. अब पेट दर्द चला गया है बट थोड़ी वीकनेस है और बस और कुछ नहीं है. और हाँ, बट क्या करूँ, मुझे कुछ काम है अब, घर में नहीं बैठ सकती मैं. तो अभी हम लोग को जाना है ग्रोसरी शॉपिंग के लिए. मुझे जाना है संडे को ग्रोसरी शॉपिंग के लिए, बट क्योंकि संडे को हम लोग को और भी कुछ काम हो सकते हैं. अब पता नहीं क्या हो सकता है काम, मुझे नहीं मालूम. हाँ, तो और भी कुछ करना हो, हम लोगों को कहीं घूमने जाना हो, कुछ करना हो, तो फिर उसमें दिक्कत होगी. और फिर कहीं तैयार ऐसे घूमो फिर उसके बाद ग्रोसरी शॉपिंग, नहीं. तो हम लोग अभी ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाएंगे क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलेगा. और मेरे हस्बैंड वैसे अभी आए नहीं हैं. अभी आके ऑयलिंग करनी है और मुझे आज कलर लगाना पड़ेगा क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा सिक दिख रही हूँ. सो गाइस, आई गॉट रेडी और मैंने एक कॉम्पैक्ट लगाया है लैक्मे का, क्योंकि मुझे मेकअप नहीं करने का मन था. तो मैंने एक कॉम्पैक्ट लगाया है और मैंने लगाया है, देखिए कई बार ऐसा ही होता है. और मैंने काजल और लाइनर और एक लिपस्टिक लगाई है, दैट्स इट. सो आई एम वेटिंग फॉर माई हस्बैंड कि वो आए और हम जाएँ. वी आर गोइंग फॉर ग्रोसरी शॉपिंग और मैंने बता दिया मैं बहुत सही हूँ. और हाँ, और बाल बहुत मेरे ख़राब टाइप के हो रहे थे अभी, तो मैंने बाल को क्लच कर लिया है. तो मैं पहुँच के आपको दिखाती हूँ, अदरवाइज ये ब्लॉग बहुत ही लंबा हो जाएगा अगर मैं आज भी पूरे दिन शूट करने बैठी, मतलब रात से, क्योंकि कल मेरे को पूरे दिन आपको शूट करके दिखाना है. हाय बेबी. हाय. सो यस, तो हम लोग अपना संडे ख़राब नहीं करना चाहते थे इसलिए हम अभी जा रहे हैं. हाँ, मेरे हस्बैंड ने टाइम निकाला अपने 2 घंटे, प्रीशियस 2 घंटे. थैंक यू सो मच हस्बैंड. वेलकम. और मैं कभी अकेले नहीं जाती कोई भी शॉपिंग करने. तो ठीक है, हम लोग चलते हैं. हम मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी सी देर में. तो जस्ट हमने शॉपिंग ख़त्म करी है और बहुत जल्दी जल्दी करी है. अभी 10 बज गए हैं. 9 बजे हम लोग पहुँचे थे वहाँ पे और 10 बजे तक वो खुला रहता, तो 1 घंटे में जितनी हो पाई उतनी वैसे पूरी कर ली है. बस अब घर जा रहे हैं और आई थिंक मैं सुबह ही ब्लॉग करूँगी क्योंकि अब मैं रेस्ट करना चाहती हूँ. थक गई हूँ मैं बहुत, पता नहीं, थोड़ी बॉडी वो साथ नहीं दे रही है. और जाके मैं बना रही हूँ नॉर्मल खिचड़ी. सो गाइस, मैं आपसे मिलती कल. गुड नाइट. सो आज है सैटरडे मॉर्निंग और गाइस मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ. और अभी मेरे बालों में बहुत सारा तेल लगा है, मुझे बोझा के धोना है. और अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30. तो मैं फटाक से आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ क्योंकि मुझे कुछ काम निपटाना है. तो थोड़ी सी देर में मिलती फटाफट. सो एक साइड से सनलाइट आ रही है. हाँ, तो सुबह तो जब हम लोग उठे थे 7 बजे तो लिटरली कोई धूप नहीं थी. इतनी ठंड थी, इतनी ठंड थी कि पूछे मत. सो गाइस, अब मैंने क्या हुआ, मैं दो दिन से सिर्फ खिचड़ी खा रही थी क्योंकि मेरे पेट थोड़ा दिक्कत थी मेरे पेट में. और अब वो सही हो गई है काफ़ी हद तक. अभी मैं ये खा रही हूँ क्योंकि मुझे भूख लग रही है. और ये बोझो शताई नहीं करो. इसके बाद मैं गीज़र ऑन कर रही हूँ क्योंकि मुझे बाल धोने हैं क्योंकि कल हम लोगों को कहीं जाना है घूमने बाहर. कल संडे है. कल भी ब्लॉग होगा जो मंडे को आएगा. आई एम हंग्री लाइक हेल. सो नाउ मैं जा रही हूँ बात लेने क्योंकि अभी हम लोग ने डिसाइड किया है कि हम लोग लंच करने बाहर जाएंगे क्योंकि बहुत दिन हो गए बाहर लंच नहीं किया है. तो यस, हाँ मैं नहाने जा रही हूँ और उसके बाद मैं तैयार होती हूँ फटाक से क्योंकि मेरे हस्बैंड आ जाएंगे थोड़ी देर में. और फिर हम वीकेंड है तो बाहर तो खाना बनता है. बहुत आई थिंक मेरे को प्रॉपर 1 महीना हो गया बाहर खाए हुए. तो मैं बाहर जाके आज हम लोग लंच करेंगे और उसके बाद देखेंगे रात में क्या बनाते हैं. सो अभी मैं फटाक से जाके तैयार होती हूँ और नेल्स तो मैं कर ही नहीं पा रही हूँ, क्या करूँ. चलिए मैं उससे थोड़ी देर में मिलती हूँ.
अब नहाने के बाद मैं होती हूँ तैयार और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। मैंने ये स्वेटर पहना है क्योंकि ठंड है और मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना चाहती हूँ। और उसके बाद आके मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो शूट करने वाली हूँ, वो है हेयर केयर रूटीन, जो आप सब लोग मुझसे पूछ रहे थे। और ये स्पेशली जिनने कलर कराया है या जो कलर कराना चाहते हैं, और ये बहुत ही अफोर्डेबल प्लस बहुत ही नॉर्मल प्रोडक्ट्स के साथ मैंने अपना ये जो हेयर को मेंटेन किया है कलर करने के बाद, मैं सिर्फ वो शेयर करूँगी जो मैं करती हूँ। सो मैं आके वो वीडियो शूट करूँगी एंड आई एम सो एक्साइटेड कि आप लोग मांग रहे थे वो मैं शूट करने वाली हूँ आके। और अब मैं जाके फटाक से थोड़ा मेकअप करके और तैयार होके आपसे मिलती हूँ। मेकअप करूँगी तो मैं मेकअप के लिए सिर्फ एक सनस्क्रीन यूज़ करने वाली हूँ, ये है लोटस की, और इसके बाद मैं कॉम्पैक्ट लगाऊंगी, लिपस्टिक लगाऊंगी, काजल लगाऊंगी, दैट्स इट। मैं ज़्यादा कुछ नहीं करने वाली हूँ क्योंकि स्किन मेरी एकदम क्लियर है। सो और धूप अभी है तो लोटस की सन प्रोटेक्ट क्रीम लगाने वाली हूँ मैं, और कॉम्पैक्ट एंड काजल एंड ऑल थिंग्स बस। सो ये है मेरा मेकअप का रूटीन आज के लिए। इतना मेकअप किया है ना मैंने, आईब्रो पेंसिल लगाई है। अभी आप देखिए मेरे बाल हल्के गीले हैं तो मैं अब इन्हें कॉम करूँगी, अदरवाइज ये टूटेंगे। तो ये वाली बड़े दांत वाली कंघी से क्या बोलते हैं, इस कंघी से मैं अपने बाल डिटेंगल करूँगी तो इससे बाल टूटेंगे नहीं मेरे। तो आप जितनी बड़े उसकी कंघी ले सकते हो उतनी लीजिए और फिर बालों को कॉम करिए, अदरवाइज़ बाल टूटेंगे। और बाल एकदम भी गीले और एकदम भी ड्राई नहीं होने चाहिए, तब भी बाल टूटते हैं। तो मैं अक्सर जब मेरे बाल हल्के से गीले बचते हैं, एकदम हल्के लाइट गीले, तब मैं इन्हें कॉम करती हूँ। सो अभी मैं इसे कॉम करती हूँ और मैं अपने हस्बैंड को कॉल कर रही हूँ ताकि वो आ जाए। सो मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी सी और देर में। वो ही नहीं करो बब्बू। ये धुआं हो रहा है यहाँ पे। सो यस नाउ वी आर गोइंग टू ईट लंच। मेरी थ्रेडिंग नहीं बनी है और आई थिंक मुझे आज थ्रेडिंग बनवाने जाना पड़ेगा। सो यस दैट्स इट। हे सो ये है काम मजदूर, इनका नाम मजदूर है क्योंकि ये पूरे टाइम काम करते रहते हैं, पूरे टाइम काम 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 मतलब पूरे 24/7, ना संडे ना कुछ, इनका कुछ भी नहीं है। वो तो पिछले संडे मैंने छुट्टी वो करवा दी थी और इस संडे भी हम लोग जाएंगे तो इनके काम के लिए ही जाने वाले हैं। हाँ तो इस संडे भी हम इनके काम ही के लिए जा रहे हैं, कहीं घूमने तो पता नहीं शाम को या दोपहर में निकलेंगे। सो यस हाँ तो ये हैं हमारे घर के मजदूर जो अभी भी लंच करके वापस जाएंगे ऑफिस। वीकेंड पे भी नो हम लोगों को कोई वीकेंड नहीं होता है। अभी हमने खाना ख़त्म किया है, मैंने हाफ पराठा खाया और मेरे हस्बैंड ने काफ़ी खा लिया है। वो पराठे वाली गली है, गली पराठे वाली, और बहुत औसम पराठे, मखनी दाल, छोले, छोले ना लेके मखनी दाल ली थी बट बहुत ही हैवी हो जाता है तो मैंने हाफ कुलचा खाया है उसमें से, और वो भी नहीं खाया आई थिंक, मैंने हाफ दिया था तुमने मुझे कुलचा, कुलचा नो नान सॉरी इट इज समथिंग चूर चूर नान। सो अब हम लोग जा रहे हैं घर, घर जाके मैं बताती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। स्टीच बैक, और अभी मुझे बहुत सारा काम है। मैं कल जो सामान लाई थी राशन का वो मैंने अभी तक लगाया नहीं है, पूरे महीने का। और अभी हमें बहुत सारा काम करना है। बोलो तुम काम कराओगे, तुम काम कराओगे, तुमने कपड़े नहीं पहने अभी तक। इन्हें सुबह कपड़े, अभी कपड़े उतारे ने एक घंटे के लिए, थोड़ा पूछी हो रही है, पूछी हो रही है थोड़ी मसाज हो रही है अभी हो रही है थोड़ी सी मसाज। सो हम लोग अभी घूम के आए हैं और बोजो को वॉक करानी थी क्योंकि अब हमें सुबह शाम वॉक कराते हैं तो ये वॉक करके आया, बहुत थक गया है ये। और मैंने अभी से वो नहीं लेट जाओ हाँ सो मैंने उसे भी 1 किलोमीटर वॉक करना सिखाया, मतलब शुरू कराया इसका।
और उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे बढ़ाऊंगी क्योंकि फिर ये थकने लगेगा, तो मतलब धीरे धीरे इसका स्टेमिना बिल्डअप करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा घूमे क्योंकि वेट पुट ऑन कर रहा है ये। सो सुबह हो गया, शाम को हो गया, अभी पर रात में, और जितना मैक्सिमम वॉक कर सकता है ये उतना कराएंगा। अभी थक गया बेबी और ये सो रहा है। मैं थोड़ा सा फैन तेज किया है क्योंकि कपड़े पहने हैं, उससे भी थोड़ी सी गर्मी लग रही है। थक गई हो। सो यस, ये थक गया है। अब 6 बज गए हैं और चाय मैं पीने ही वाली हूँ क्योंकि मैंने अभी चाय थोड़ी क्विट करके रखी हुई है। और अब मैं जाऊँगी थोड़ा काम निपटाने, और आज मैं कुछ ट्यूटोरियल शूट करने वाली हूँ, मेकअप ट्यूटोरियल, क्योंकि हेल्थ थोड़ी सही लग रही है और ठंड ने पता नहीं कब आपकी तबीयत ख़राब हो जाए इसीलिए। सो यस, और देखिए बोलो के पूरे बाल मेरे स्वेटर पे लग गए। पग्स के बाल हेयर फॉल बहुत होता है और देखिए स्वेटर में यही रहता है कि वो चिपक जाते हैं जाके। तो अब मेरे को इसे वैक्यूम क्लीनर से क्लीन करना पड़ेगा, अदर ऑप्शन है नहीं क्योंकि और अगर मैं किसी चीज़ से झाड़ूंगी इसे तो उसमें रोए आ जाएंगे। और मैं आपसे अभी से थोड़ी सी देर बाद मिलती हूँ। और आज मैंने आपसे ज़्यादा बात नहीं करी ना, सीरियसली। कभी कभी व्लॉग्स ऐसे भी होते हैं कि ज़्यादा बात नहीं पाती है। मैं ऐसा लग रहा है मेरे को फांसी लग गई है। यस, अब सही है। कभी कभी हम लोग बात नहीं कर पाते हैं। देखिए आज बिल्कुल भी बात नहीं हो पाई। गाइस, आप लोग कैसे हैं और क्या कर रहे हैं, और आपका वीकेंड कैसे जा रहा है? आपका वीकेंड यूजुअली कैसे जाता है? मेरा वीकेंड मैक्सिममली ऐसा ही जाता है, बिज़ी। मेरे हस्बैंड बिज़ी रहते हैं तो मैक्सिमम बिज़ी जाता है। हम लोग कहीं शायद घूम नहीं पाते इसलिए ज़्यादा, और यही है कि हाँ काम भी करते रहना चाहिए। यस, और मैं अपनी लाइफ कहीं ना कहीं इन्जॉय भी करती हूँ ऐसे में ही, क्योंकि आदत पड़ गई है ये। अब मैं, और टाइम वैसे भी नहीं मिल पाता है कि कहीं जाएं, कि टाइम नहीं, टाइम बहुत वेस्ट, मतलब कि टाइम अगर बहुत फ्री है तो टाइम वैसे भी नहीं मिल पाता क्योंकि मैं पूरे टाइम अब वीडियोज़ वगैरह पूरे हफ्ते वीडियोज़ आ रही हैं क्योंकि। गाइस, मैं आपसे थोड़ी सी देर में मिलती हूँ और फिर हम बात करते हैं। हेलो, सो आई एम बैक। और अभी क्योंकि बोलो मत करो बेटा। हाँ, अभी हम लोग क्या बोलते, कल हम लोगों को बाहर जाना है तो इसलिए मुझे अभी कपड़े क्लीन करने लगाने पड़ेंगे, अदरवाइज फिर मंडे हो जाएगा। और मैं अभी जा रही हूँ वॉशिंग मशीन लगाने क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो गए हैं और ठंड में बहुत हो जाते हैं। और एक्चुअली मुझे एक आदत है कि मैं दिन में 2-3 बार कपड़े चेंज करती हूँ, मतलब कुछ पता नहीं मैं क्यों करती हूँ ऐसा, पर मैं करती हूँ। जैसे पहला पड़ा है वो नहीं, और अभी मैंने वॉशरूम में, मतलब बाथरूम में, मैंने बाथरूम क्लीनर डाल के आई हूँ मैं, वो भी क्लीन करना है क्योंकि कल आई डोंट थिंक सो कि मेरे को पूरे दिन टाइम मिलेगा और मैं कुछ कर पाऊँगी। यस, मुझे वो करना है अभी। और अभी जाके वॉशिंग मशीन लगाती हूँ। आज पीने वाली हूँ वो ग्रीन टी जो आई है, क्योंकि थोड़ा मैं चाह रही हूँ कि मेरा थोड़ा जो भी है, जब कुछ जो भी अजीब अजीब सा हो रहा है वो ना हो, तो इसलिए मैं अभी ग्रीन टी वो बनाने वाली हूँ जाके। और मैं देखती हूँ उसका फ्लेवर कैसा है। मैं मंडे से शुरू करने वाली हूँ उसे प्रॉपरली, पर मैं अभी से थोड़ा टेस्ट टेस्ट करना चाहती हूँ उसका, कि उसका टेस्ट कैसा है, कैसी लग रही है वो पीने में, और प्रॉपर उसका फ्लेवर क्या है। वो भी मैं करती हूँ और सब कुछ आपको भी दिखाती हूँ मैं। सबसे पहले मैं कपड़े निकालूँ जो धोने वाले हैं, क्योंकि पूरे कपड़े वॉशरूम में भर गए हैं धोने के लिए, तो मैं अभी वो अलग कर रही हूँ और वो मैक्सिमम मेरे कपड़े हैं। यस, अभी मैं जा रही हूँ करने, और फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी सी देर में। और आज मैं अपने बाल भी कर्ल करने वाली हूँ, और मैं करूँगी नेचुरल कर्ल कल के लिए। तो वो मैंने यूट्यूब की एक वीडियो देखी थी, उसी के थ्रू, मतलब उसी से मैं करूँगी, जो मैंने वहाँ से सीखा है मैं वही करने वाली हूँ आज। तो देखती हूँ कल कर्ल कैसे निकलते हैं। ऐसा लग रहा है मेरी आईब्रो गायब हो गई। यस, अभी वो करना है। और आज नीनी आई है आपको, तो पूरे टाइम कैसे सोते हो? छो जाओ। खले खले भी कोई सोता है क्या? मी मोती गुलिया फ्लफी फ्लफी
सब मेरा न्यू स्वेटर देख लो, मुझे ब्लैक और लेड कलर बड़ा पसंद आता है। मुझे ब्लैक और लेड कलर बड़ा पसंद है, बड़ा ही पसंद है, मुझे तो बड़ा ही पसंद है। सोच रहा हूँ थोड़ी देर छो जाऊँ, अब थक के तो मैं घूम के मैं थक ही गया था, बड़ा थक गया था। मैं घूम के आया था अभी, मैं बड़ा ही थका हुआ हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी सी देर छो के फिर बात करता हूँ आप लोगों से, थोड़ी सी देर तो छोने मिल जाए तो अच्छा लगेगा। बट ऐसा कोई मालिश कर दे, थोड़ी मसाज कर दे तो बड़ा ही अच्छा लगेगा। आई लव मसाज, आई लव मसाज, आई लव मसाज। मेरा बाबू, यू लव मसाज, आई रियली लव मसाज। गुड नाइट एवरीवन, मैं छोने जा रहा हूँ, मैं मिलूंगा आपसे थोड़ी सी देर बाद। भोंसो अभी सो रहा है। आ मामा मच्छर, व्हाट द हेल आई एम सेइंग, मामा मच्छर, मामा मच्छर। सो नाउ यस, आफ्टर सो मच ऑफ बकर पकर, मैं जाके मैंने कपड़े लगा दिए। को ठंडी लग रही है क्या आपको? मेरा बाल नाक पे क्यों लेके रखे हो तुम? बाली ठंड है, कुछ ज़्यादा ही ठंड हो गई है, इतनी ठंड हो गई है। कम्बल वम्बल उला दो, थोड़ी शॉल वॉल उला दो, सब उला दो, घर में जो जो है वो सब उला दो मुझे, तो मैं गुड नाइट कर लूँगा। तुम्हारी नोज तो बड़ी छोटी सी है, बड़ी छोटी सी नोज है तुम्हारी, दिखाओ। ओ नो नो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती हूँ, मैं नहीं करना चाहती हूँ तुमको, बिल्कुल परेशान नहीं करना चाहती हूँ। सो हम बोझो को इसी तरह छोड़ते हैं, क्योंकि बोझो सोएगा, हम नहीं सो सकते हैं। किसे छो रही है? क्यों छोती हूँ मार्बल पे? कपड़े पहन के मार्बल पे थो जाती हूँ ठंडे। निन्नी आई है, निन्नी आई है। तो गाइस मैंने ग्रीन टी बनाई है, और रात को मैं बना रही हूँ मटर वाली मैगी, क्योंकि कुछ ज़्यादा इच्छा नहीं है और वो जल्दी बन जाएगी, और इसलिए। सो ये ऐसी लग रही है, लेट मी टेस्ट इट। टेस्ट इज गुड, मींस टेस्ट अच्छा है इसका। सीरियसली आप आराम से पी सकते हैं, और ग्रीन टी टाइप का ही है, प्रॉपर ग्रीन टी ही है ये। मुझे ग्रीन टी इतनी पसंद नहीं है, बट एक टाइम में मैंने रेगुलर पीती थी तो मुझे आदत पड़ गई थी, तो मैंने फिर छोड़ दी। सो यस, और एक बार पता क्या होता था, जैसे कई बार मैं रात में ग्रीन टी पी लेती थी और मुझे पूरी पूरी रात नींद नहीं आती थी, पता नहीं क्यों। मैं अभी भी शाम को नींद पी रही हूँ इसे, बट ट्राई करने के लिए। सो यस, मैं आपसे अब थोड़ी सी देर में मिलती हूँ। आई थिंक ये व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर मैं चटर पटर करती रही। कल के व्लॉग के लिए एक्साइटेड हैं आप लोग? संडे के, मैं सिर्फ ये देख रही हूँ मेरा संडे जाने कैसे वाला है, मुझे खुद ही नहीं मालूम कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं। Let us see. थोड़ा ऐसा लग रहा है जैसे इसमें कुटे हुए मसाले होते हैं ना, स्पाइस टी समथिंग सॉर्ट ऑफ दैट। यस, पीते पीते आदत पड़ जाएगी, मैंने कुछ ज़्यादा बना लिया ऐसा लग रहा है, बट पानी पिपता नहीं है तो ऐसे ही पी लिया जाए। इस अब मैंने क्योंकि मैं फ्री थी और कल हमें घूमने जाना है, तो मैंने ये कर्ल्स ट्राई करे हैं, देखते हैं कि ये काम सुबह कैसे देखते हैं। और सुबह तो मैं ब्लॉग करूँगी जो आपको मंडे देखने मिलेगा, तो आई जस्ट होप ये थोड़ा सा खुल गया है यहाँ से, इसे मेरे को पैक करना पड़ेगा। यस, तो मैंने ये कर्ल्स करे हैं, आई होपफुली अच्छे बने, पर जूड़ा बहुत अच्छा लग रहा है अगर इसे ढंग से कर दिया जाए तो। सो यस, और देखिए मेरा एक लाइनर हट गया है, एक है, और मैं जाके मटर छील रही हूँ फॉर मैगी। और बोझो बहुत ज़्यादा परेशान टाइप का घूम रहा है, वो राजा का वेट कर रहा है। अभी नहीं आए हैं, अभी आधे घंटे में आएंगे। और अभी अभी मैं टीवी देख रही थी, भाभी जी, भाभी जी घर पे है, तो हाँ वो देख रही थी। अब मैं थोड़ा ये कल सही करती हूँ और मटर छीलने जाती हूँ, उसके बाद फिर आपको मैगी की रेसिपी दिखा के इस व्लॉग को एंड करती हूँ।
कल का रिजल्ट जो मैंने कल करे हैं, इनका रिजल्ट आपको कल मिलेगा सुबह, क्योंकि सुबह से मैं ब्लॉगिंग ही करने वाली हूँ। और देखते हैं, देखिए कितने सारे बेबी हेयर्स हैं। चलिए, अब ये तो अच्छे लग रहे हैं वैसे। आई जस्ट होप कि ये काम कर जाए, क्योंकि मैं ज़्यादा ही ज़्यादा मतलब कर्लिंग आयरन, स्ट्रेटनिंग आयरन तो आई थिंक मैंने अभी तक पूरी लाइफ में कभी यूज़ नहीं करी है। सीरियसली, आई स्वेयर टू गॉड, आज तक यूज़ नहीं करी, क्योंकि मेरे बाल पहले से ही स्ट्रेट हैं इसलिए। और अब और कर्लिंग भी मैं बहुत कम करती हूँ। क्रिम्पिंग के लिए भी मैं कभी कभी आयरन यूज़ करती हूँ, क्रिम्पिंग आयरन, अदरवाइज वो भी मैं नेचुरली करना पसंद करती हूँ। तो मैं बहुत जल्दी आपको, अगर ये सक्सेसफुल हो गए तो मैं आपको अलग अलग बेस दिखाऊंगी, लेट्स सी हो जाए। तो वैसे ये मैंने यूट्यूब की वीडियो में ही देखा है, लेट्स सी हो जाए। सो ठीक है, अब मैं जाके मटर छीलती हूँ। सो अब मैं बना रही हूँ मैगी, और उसके लिए मैंने सबसे पहले राई डाल दी है तेल में। अब मैं डालूंगी इसमें प्याज और मिर्ची, इसमें डाल दिया मटर, बस अब उसमें थोड़ा सा नमक डाल के मैं भी बंद कर दूंगी, और हल्दी डाल के और भी बन जाएगी मैगी। एज इट इज ऐसे ही है, रिजल्ट तो आपको सुबह ही देखने मिलेगा। और जोड़ा काफी अच्छा लग रहा है, पर कलर्स कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। सो गाइस, मैगी बस बन गई है, और अब मैं इसको सर्व करूँगी, और इससे पहले मैं इस व्लॉग को एंड करने वाली हूँ। तो चलिए, मैं आपको कहती हूँ। सो गाइस, अब मैं कहती हूँ आप लोगों को बाय, क्योंकि मैगी बन गई और मैं जल्दी से सर्व कर रही हूँ उसे। और अब क्योंकि मेरे को सुबह जल्दी भी उठना है, और ये रिज़ल्ट भी शेयर करना है आप लोगों के साथ। अगर अच्छा आता है तो मैं ऐसे जाऊंगी, अदरवाइज़ मैं फिर बाल दोबारा वॉश करके थे ऐसे जाऊंगी। सो यस, सो अब बन गई। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को लाइक करिए, और इस वीडियो को शेयर करिए। अगर आप मुझे बहुत पसंद करते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को बढ़ाने में मेरी हेल्प करिए। और दैट्स इट गाइस, सब तक मैं आपको बोलती हूँ बाय, लव यू।